तो स्टूडेंट समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री, यानी कि कुछ जो लीव्स हैं वो डिटैच्ड हो जाती है। डिटैच का मतलब जानते हो, अलग होना हो जाना। जैसे हमने किसी प्लग को बोर्ड में लगाया तो कहते हैं अटैच कर दिया, और जब हम वापस निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, डिटैच कर देना। यानी कि जो लीव्स हैं वो डिटैच हो जाती, अलग हो जाती है। कहाँ से अलग हो जाती है, फ्रॉम अ ट्री, ट्री से अलग हो जाती। कब हो जाती है, इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच, यानी बहुत ताकत के साथ उसको हम हिलाते हैं। यह है इसका मतलब, पावर के साथ। ठीक है, तो हिंदी में तो लिखा ही समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी पेड़ की शाखाओं को हिलाते हैं तो पत्तियां झड़ जाते हैं, क्यों? तो समझते हैं इसके पूरे कंसेप्ट को। देखिए, मान लीजिए यह एक पेड़ है, समझ में आया। पेड़ के अंदर क्या होती है, बहुत सारे शाखाएं होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रांचेस होती हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी ब्रांच को हिला रहे हैं, इस ब्रांच को हिला रहे हैं। इस ब्रांच के ऊपर क्या लगी होंगी, कई लीव्स लगी होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से ब्रांच में कई लीव्स होती हैं, एम आई राइट कि नहीं? Yes. ये लीव्स लगी। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले हमने इसे हिलाया तो हम इसे मोशन में लाए। हमने क्या किया, इस लीव को इधर इस डायरेक्शन में लेके गए होंगे और फिर वापस खींच के लाए होंगे। तो जब हमने मूव किया तो हमने यहां पर क्या दिया, इसका इनर्शिया चेंज कर दिया। इनर्शिया चेंज किया किसका, इसका। अब यहां से इनर्शिया ट्रांसफर होगा और कहां पहुंचेगा, इस पेड़ के जॉइंट पे। अगर ये जॉइंट कमजोर है तो इनर्शिया के कारण ये जो लीव्स हैं वो अपनी जगह रह जाएंगी और जो डाल है वो आगे निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि ये वॉच है, ये मेरे हाथ में बंधी हुई है, समझिए कैसे, ये ऐसे बंधी हुई है। मान लो ये मैंने बहुत लूजली पकड़ रखे, बहुत ढीले पकड़ रखे, और कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति आके मेरे हाथ में धक्का देगा तो क्या होगा। जब हाथ में धक्का देगा तो सबसे पहले इनर्शिया कहाँ जाएगा, हाथ में जाएगा, हाथ मोशन में आएगा। हाथ से मोशन धीरे 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 यहाँ तक पहुँचा, ये भी मोशन में आया, लेकिन ये जॉइंट कमजोर है तो क्या होगा, यहाँ से इनर्शिया यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कोशिश करेगा लेकिन ज्वाइंट कमजोर है तो ज्वाइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये इस तरीके से गिर जाएगा। समझ में आया। अगर ये घड़ी बहुत छोटी है, बहुत हल्की सी होती, कमजोर सी होती, तो ये ज्वाइंट के थ्रू इनर्शिया यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता और जब मैं इधर धक्का देता तो ये वाला हिस्सा भी मूव कर जाता। समझ में आया। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक इनर्शिया होता है, इसका अलग इनर्शिया था, ब्रांच का अलग इनर्शिया था। समझ में आ गया होगा। तो किसी की पेड़ की शाखा हिलाने में कुछ झड़ जाती है क्योंकि शाखाएं तो गति में आ जाती हैं, लेकिन जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण जो लीव्स हैं वो किस में बनी रहती हैं, विरामावस्था यानी रेस्ट कंडीशन में बनी रहती हैं। समझ में आया। सम लीव्स गेट डिटैच्ड व्हेन शेक द ब्रांच, एक्चुअली दिस इज बिकॉज व्हेन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर शेक्ड इट मूव्स टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव होती है। टू फ्रो का मतलब क्या है, आगे पीछे। बट इट्स लीव टेंड टू रिमेन सेटल, लेकिन इसकी जो पत्तियां वो अपनी पोजिशन पर रह जाती हैं और जो डंडी है वो आगे निकल जाती है क्योंकि ज्वाइंट कमजोर होता है जिसके कारण लीव्स अलग हो जाती है और गिर जाती है। अगर ज्वाइंट्स मजबूत है तो लीव ज्वाइंट टूटता नहीं है और उसके बाद तुम्हारी जो लीव्स हैं वो भी मोशन में आ जाएंगे।